हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं रीत ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और मेरी तरफ से सभी को प्यार भरा हर हर महादेव। जो ये बोलने मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने घर पे सेफ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम शूटिंग करके मतलब आके बैठे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे मन में हल्का सुनू रही हूँ ना। ये शूटिंग की निशानी होती है। कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। होगी, मतलब जिस इंसान के साथ वो सोचते हैं होगी उसी से, बट अभी नहीं हुई है शादी। और आज है हमारे परिवार में शादी, मतलब आई मीन तेजू की भतीजी की शादी है, तो वो तो मेरा भी परिवार है, तो शादी है। उसके लिए अभी हम जा रहे हैं मंजू के साथ पार्लर और फिर आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो अभी के लिए बाय। तो गाइस, रेट ठाकुर देखो पार्लर पर आ चुकी हैं और पता नहीं पता नहीं क्या ये क्या पहन रखा है इन्होंने। जींस का पर अच्छा जींस। ओहो चलो भाई, इधर मंजू तैयार हो रही है, अब थोड़ी देर में मंजू भी तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा तैयार किया है जो बात है। ये देखो इसका मेकअप भी हो रहा है अभी। तो गाइस, ये दोनों हो चुके हैं तैयार, मंजू भी तैयार और इनकी चाची भी तैयार। अब दोनों तैयार हो चुकी हैं, अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं बैठ के कब गाड़ी आएगी, कब ये घर जाएंगी बेचारी दोनों। और उधर जयमाला की तैयारी हो रही है, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, अभी जयमाला की तैयारी हो चुकी है। तुम क्या बोलना चाहोगी इस बारे में? भूख लग रही है तो इतनी रात में कहाँ खाने को मिल रहा है, 11 बज रहे हैं। हाँ तो दावत में खाइए, अब चल के ठीक है, तो गोलगप्पे खाना चल के। समझा तेरा दूर जाना, हमें याद करके तेरा भूल जाना, नहीं समझा तेरा दूर जाना, सब झूठ था वो तेरा हंसना। देखो इनकी कितनी लाल हो रही है। मैंने दारू पी है तो बहुत कल अभी तो गाइस अभी मंजू उतर रही है इसमें से। तो गाइस देखो मंजू के आने से कितनी भीड़ हो गई है, पहले कोई नहीं था, इतनी भीड़ भाड़ हो चुकी है बताओ। मैं सब कुछ छड़ दिता तेरे करके, तेरे तो सब कुछ वारी बैठिया, तेनु पता ता है पर फिकर नहीं, तेरे लिए मैं आरा वे कवारी बैठिया। यारी तेरी वे यारी जिस माँ तक है सारी दे सारी, यारी यारी तेरी वे यारी जिस माँ तक है।
सारी दी सारी विद द गो। आप क्या कहना चाहती हो मैडम? मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है।